कृष्णा जय माता जी की। आज हमें कुछ मीठा खाना है, तो मीठा बनाने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन इन घंटों का काम हम मिनटों में पटाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया, हमने आज देख सकते हो हमने मकाई पौवा है वो लिया है, तो हम स्वीट मकाई पौवा बनाएंगे। तेल गरम रख दिया हमने कढ़ाई के अंदर, एक कढ़ाई हमने ली है, आधी कटोरी खांड डाल रही है मतलब शुगर, थोड़ा सा पानी, अच्छे से चाशनी बना देंगे। हमने थोड़े मकर पोहे पहले तल लिए, अब हमारे एकदम कलर वाइट रखना है। मकर पोहे हमारे रेडी हो चुके हैं, सारे हम तेल में से निकाल देंगे। हमारे मकई पोहा बहुत ही बढ़िया रेडी हो चुके हैं, चाशनी चेक करते हैं। हमारी चाशनी भी रेडी होने आ गई है, हम 2 चम्मच भर के तिल डाल रहे हैं, तिल हमें अच्छे लगते हैं इसलिए। चाशनी को अच्छे से हमें 2 तारवारी करनी है। हमारी चाशनी लगभग रेडी हो गई है, हम दिखाते हैं आपको। सिर्फ 1 मिनट की देरी है, बढ़िया से चाशनी बनके रेडी हो गई है। वो भी हमने डाल दिए, अच्छे से मिला देंगे 2 मिनट के करीब, चाशनी के अंदर अच्छे से मिला के देख लेंगे। है ना एकदम फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, एकदम घंटों का काम मिनटों में खलास हो गया। अच्छे से मिला देंगे, आप 2 तार की चाशनी की चिंता मत करना, थोड़ा कम होगा तो भी ऐसे पौवा डालने के बाद अच्छे से हम मिलाएंगे तो रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया स्वीट पौवा रेडी हो गया है, चलिए सर्व करेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया रेडी हो गया है ये, एक बार बना के महीने भर आप खा सकते हो। दूसरा स्वीट बनाना हो तो महीने तक नहीं खा सकते हो आप, लेकिन ये एकदम क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बनता है, एक बार बनाइए और महीने तक खाइए। मित्रों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए एकदम नए नए डिशों लेके हम रोज़ रोज आएंगे। मित्रों आप देख सकते हो हमने जो तेल डाला था वो बहुत ही बढ़िया ऊपर से दिख रहा है, हमने एक टेस्ट किया, बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम आसानी से बन गया है। आपके घर पर ज़रूर से बनाइए। मित्रों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर से कह रही है एक लाइक कर दीजिए। ओके बाय बाय।